जिसमें कि हमारा नाम लिखा हुआ है। ये देखो, ये इसके अंदर चिकन जैसे जैसे पी रहा हूँ ना, लग रहा है कि बहुत खर्चा कर दिया भाई आज। ऐसा कुछ है ये अंदर से तो मेरा बोलना तो बनता ना मेरे भाई। ये कबाब्स हैं, ये हैं कबाब्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो ये देख रहे हो तुम, बहुत महंगा सौदा पड़ चुका है मुझे, और ये सौदा मुझे करीबन करीबन टैक्स लगा के 4,500 के करीब पड़ चुका है। बिल मैं डाल दूंगा अगर डाल पाया, बिकॉज ये बहुत ना बड़ा सा बिल है। मैं जल्दी से बताता हूँ मेरे पास क्या क्या है, और आप सबको पता चल गया होगा कि आज ये सब चीजें स्टारबक्स से लेके आ रखा हूँ। आगे की साइड है मेरे पास स्ट्रॉबेरी एंड आलमंड केक, एग व्हाइट एंड चिकन इन मल्टीग्रेन क्रोसॉन, ठीक है, और एक है ब्लूबेरी मफिन, काकोरी कबाब रैप, मुर्ग काठी रैप, डबल चॉकलेट चिप कुकी जो कि ये है, इसमें बटन जैसे लगे हुए हैं अभी दिखाता हूँ, है चिकन सीख पॉकेट, टॉल कोल्ड कॉफी जो कि यहाँ पे ये भी नहीं दिख रही होगी, टॉल कैरेमल फ्रैपेचिनो, टॉल मोका फ्रैपेचिनो, टॉल जावा चिप फ्रैपेचिनो, टॉल स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम फ्रैपेचिनो, टॉल डबल चॉकलेट चिप फ्रैपेचिनो। और ये सारी चीज़ें मुझे पड़ी हैं एग्जैक्टली 4,321 रुपीज़। 5,000 का बजट बना के ले गया था मैं जैसे तैसे, तो इतना सब कुछ आ गया। स्टारबक्स खुला है नया देहरादून में, ये खुला है राजपुर रोड के पास, वहाँ से लेके आया हूँ मैं। अभी शायद उनके सेकंड स्टोर भी खुलने वाला है। कोल्ड कॉफी, ये काफी सेक्सी लग रहा है देखने में, बटन जैसे लगे हुए हैं, बट इसमें प्रॉपर घी की खुशबू आ रही है और घी वाला फील भी आ रहा है। ये बहुत इंडियन टेस्ट कर रहा है, इंडियन मतलब समझो, क्योंकि जो स्टारबक्स है बेसिकली वेस्टर्न पैलेट को फॉलो करता है, बट ये इंडिया में आया तो इंडियन पैलेट भी कस्टमाइज कर रहे हैं चीज़ इंडियन पैलेट के हिसाब से। बटन खा गए, बटन लगे हुए थे इसमें। ये कोल्ड कॉफी जिसमें कि हमारा नाम लिखा हुआ है प्रवीण। अगर ये जाके खाओगे ना, तुम सच बता रहा हूँ, इसमें पूरी देसी घी की खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी हो रहा है। ऐसे ऐसे सब कुछ अंदर का सामान। अब हम ट्राई करते हैं, तो ये है एग वाइट एंड चिकन मल्टीग्रेन क्रोसॉन। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, बट ये देखो ऐसा कुछ है। अबे ऊपर चिपक गया वे, ये देखो इसके अंदर ये सब कुछ है मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर, ऐसा कुछ। ये एक वाइट है और इसके ऊपर चिकन। चलो इसके जूम शॉट डाल देता हूँ। ये देखो ये है ऐसा कुछ, ये ऊपर पे इसके चिकन है, एग वाइट है और ये सब चीज़ें। ट्राई करते हैं कैसा हो रहा। सॉसेस के पैकेट पुराने वाले ही हैं बल्कि इनके जो टिश्यूज़ है ना उसमें भी स्टारबक्स मेंशन है। बहुत बढ़िया, बहुत महंगा सौदा है भाई। एक मिनट देख के बता दो कितने का। 305 रहेगा। घर में खाना बन रहा। इतना सा टेस्ट करने के लिए मोना के लिए बचा रहा हूँ, इतना सही बचा है बस, थोड़ा सा वो भी टेस्ट कर लेगी कि कैसा हो रहा है। अब हम ट्राई करेंगे कैरेमल फ्रैपचिनो। ऐसा कुछ है ये, ओ भाई
मतलब तुम समझ रहे हो सीसीडी और स्टारबक्स में थोड़ा सा डिफरेंस। अब यार कैसे दिखाऊं, मैं तुम्हें फोन से दिखाएगा। ये है कैरेमल फ्रैपेचिनो के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। सीसीडी और स्टारबक्स में जहां तक मैंने, इससे पहले एक बार स्टारबक्स गया हूँ मैं, शायद गया हूँ शायद नहीं, मैं गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं सिर्फ कैपेचिनो पीने गया था। सीसीडी और स्टारबक्स में एक डिफरेंस है, सीसीडी रेगुलर बेसिस में अगर जाओगे ना बहुत शुगर होता है, बहुत हैवी फील करने लग जाओगे थोड़े दिनों बाद। बट यहाँ की कैसी है, आप पे बहुत पैसे हैं, बढ़िया, मतलब ऐसा कुछ सीन है, तो जाओ स्टारबक्स जाओ, यहाँ पे शुगर कम होगा, मतलब रेगुलर बेसिस में जा सकते हो। ये कौन सी है, मोका फ्रैपेचिनो। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं मोना के लिए बचा रहा हूँ, अपनी छोटी बहन के लिए, ऐसा कुछ है। इसके अंदर का सीन बिना पिए बता देता हूँ पहले, ये देखो ऐसा कुछ है, ये है मोका फ्रैपेचिनो, और पीछे तुम्हें प्रवीण दिख रहा होगा। आज सच में बहुत महंगा है भाई, और मोका फ्रैपेचिनो पैसे खर्च हुए लेकिन अल्टीमेट है, वर्थ इट है चीज़ें। बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत वीडियोस ले लिए हैं स्टारबक्स देहरादून के ऊपर। चिकन सीख पॉकेट, इसे खोल के देखते हैं पहले, इसके अंदर चिकन है कहाँ पे भाई साहब। ये इसके अंदर चिकन, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है देखने में, और स्मेल तो ऐसी है कि फोन से दिखा दूँ, ऐसा कुछ है। चिकन सीख पॉकेट, और आज हर चीज़ मैं अपनी बहन के लिए बचाने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी, बहुत महंगा है भैया। मैं बोल रहा था ना पहले, वेस्टर्न पैलेट को ज़्यादा फॉलो करता है, बट इंडिया में आया तो इंडिया वाली चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना। बढ़िया मसाले डाले हुए, बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर देसी भाषा में बोला जाए तो चिकन सीख पैटी है, और ये पड़ा है मुझे, बल्कि ये बड़ा महंगा है अभी, 420 रुपये का है। जो जो थोड़ी थोड़ी बची हैं इसका भी हो गया, आगे दिख नहीं पा रहा, इतना तो बचा देते हैं ना उसके लिए। थोड़ा सा ही बचाया, थोड़ा सा ही हो, थोड़ा वो भी टेस्ट कर लेगी कैसा हो रहा। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन मम्मी और मोना को ले जाऊँ। जावा चिप फ्रैपेचिनो, ये भाई आह, ये बहुत हार्ड है। जैसे जैसे पी रहा हूँ ना लग रहा है कि बहुत खर्चा कर दिया भाई आज। लेकिन चीज़ें वर्थ इट है भाई, कॉफ़ी मैंने सच में आज तक ऐसी नहीं पी, जैसे इनका टेस्ट है ना, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं तुम्हें। मेरे को तो घर आके करना पड़ रहा है, कॉफ़ी घर पे पी रहा हूँ और चीज़ें घर पे खा रहा हूँ, ऑल बिकॉज की मुझे थोड़ा सा मकबैंग, थोड़ी सी रिव्यू करना था कि कैसा कैसा है यहाँ पे सीन। बट अगर आपको बढ़िया मज़े करने ना, मतलब फील चाहिए, कॉफ़ी पीना है, बढ़िया फील करना, वहाँ जाके करना, बहुत अच्छा एम्बियंस है। थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा थोड़ा बचाना बनता है भाई। तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ कि हमने ये चीज़ें कैसे अटकाई हैं। तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा है, इसे खोल के पता चलेगा कि कैसा। देखो ये भी सब बढ़िया, ओ भाई सब कितना बढ़िया लग रहा है। देखो मैं इसे खोल के दिखाऊंगा तो ये फट जाएगा मुझे लगता है ऐसा,
बट खोल के देख। ओ भाई बहुत चिकन है बे, ये तो उठना पड़ेगा। ये देखो ऐसा कुछ है ये अंदर से, और ये पता नहीं किस चीज का पत्ता है बे। मेरे को पता ही क्या लग रहा है, जैसे वो गुड़ल के फूल का पत्ता होता है ना, ये वैसा कुछ लग रहा है। देखो ये है पत्ता, इसी के तो पैसे हैं, इन्हीं चीज़ों के तो पैसे हैं बे। और ये मुझे पड़ा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुर्ग काठी लग रहा है मुझे, ये है 290 रुपये का। मैं अपनी वीडियो में ना किसी भी चीज़ के बारे में बुरा नहीं बोलता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बनाया तो होगा किसी ने, मेहनत करी होगी। ठूसा हुआ इसमें, भर भर के ठूसा हुआ, एक पत्ता भी डाला हुआ दिखाया मैंने, पर जब मैंने इतना ज़्यादा पैसा फूका तो मेरा बोलना तो बनता ना मेरे भाई। पता नहीं कि इसकी जो बाहर वाली रोटी काफ़ी ज़्यादा च्युइंगम जैसी है, बट अंदर का चिकन अच्छा है। बट हाँ, अगर वहाँ जाके खाओगे ना तो शायद ठंडा हो गया, इसलिए लग रहा हूँ चिकन बहुत मिल जाएगा तुम्हें खाने का। अब आया वो पत्ता, अबे पूरा खा गया, मतलब आज से ज़्यादा खा गया हूँ, थोड़ा सा बचाऊँगा। आधा पत्ता भी खाया, मतलब पैसा इतना लगा कि खाते खाते पता नहीं चल रहा कि थोड़ा ही बचा है, बहन के लिए भी बचाना। इसमें चीज़ भी डाला हुआ है, सौ लास्ट में। अब हम पियेंगे डबल चॉको चिप फ्रैपे, पैसा 275 टॉल का, इसे एक साइज और बड़ा आता है। रुको 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 रुको, फ़ोन से दिखाऊंगा। यह है डबल चॉको चिप फ्रैपे, मैंने इसे सब कुछ तहश नहश करके भी दिखा दिया, लेकिन मेरे लिए तो महीने में एक दिन जाना भी थोड़ा सा वैसा लगेगा मुझे, मुझे सिर्फ ट्राई करना था कि ओहो देहरादून में खुला है। और देहरादून में जो आउटलेट खुला है वो 300 आउटलेट है स्टारबक्स का, जो इंडिया में खुला है। और वैसे अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, स्टारबक्स इतना चला कि ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो इनके पर दिन 2 स्टोर्स खुलते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी तक 14,000 स्टोर खुल चुके होंगे मेरे हिसाब से भाई। लेकिन कॉफ़ी ऐसी नहीं बोलते कि स्टारबक्स की कॉफ़ी है, बहुत बेहतरीन हो रही है। पैसा लगा लेकिन मज़े फुल ले रहा हूँ मैं। इनका लोगो विदेशी एंट ऐसा कुछ है, बहुत लाइट है इनकी कॉफ़ी, जितनी भी कॉफ़ी मैंने अभी तक पी है सारी लाइट है। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं तो महीने में एक दिन भी जाने से पहले सोच लूंगा कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अब मेरे को ऐसा हो चुका है, पहले मैं चीज़ें मंगा लेता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर लेता हूँ ना, अब ऐसा लग रहा है कि 2 साल तक तो स्टारबक्स से कुछ नहीं खाऊंगा मैं। हर समय ऐसे ही होता है, मकबैंग करते हैं, बट शायद ना खाऊँ 2 महीने तक। एक और बचा है हम पे, ये हम थोड़ा सा बचा देंगे, थोड़ी थोड़ी बची है, तुम लोगों को लग रहा होगा ज़्यादा बची, ये देखो पता है तुम्हें दिखेगा भी नहीं, बहुत बहुत कम है, बहुत कम, सिर्फ टेस्ट करने के लिए बचा रहा हूँ मैं अपनी बहन के लिए, कि बोले ना कि तुम स्टारबक्स से कॉफ़ी लाए थे तुमने पिलाई भी नहीं, कितने गंदे हो तुम। एक और बची है, वो है स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम फ्रैपेचिनो। कुछ कुछ कॉफ़ी पीते ही ऐसा लग रहा है ना बूम, इतना कॉफ़ी डाला हुआ है उसमें, हार्ड है कुछ कुछ लेकिन मस्त है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ कोई यहाँ से कच कच करता है, कुकर की सीटियाँ बजने लग जाती हैं। इसमें भी सिर्फ, अब यार छाया भी नहीं हो रही है बता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बजा देगा। एक और रैप बचा है हमारे पास, वो है काकोरी कबाब रैप। अबे इसका कलर बीटरूट जैसा है बे, तुम्हें शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा बट इस रोटी का कलर उससे बहुत अलग है, ये रोटी का कलर थोड़ा बीटरूट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ वैसा यूज हुआ है, हाँ शायद हुआ है। ये रोटी भी वैसी ही है, ये है काकोरी कबाब रैप, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके अंदर ना पक्का फॉर श्योर इसमें बीटरूट का यूज हुआ है, बिकॉज
रोटी का कलर ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, या फिर या तो फूड कलर तो डाल नहीं सकते इतना। ये देखो इसके अंदर यहाँ पे ये कबाब्स हैं, ये रखे हैं काकोरी कबाब्स, ये इन्होंने रखा है एग। ठीक है, ये पूरा एग है, मैं पूरा इसका ऑपरेशन टाइप का कर दिया मैंने। ये एग है, ये कबाब्स हैं, ये कबाब्स है, ये चीज़ है, और ये इन्होंने अपने वेजिटेबल्स डाले हुए, टमाटो है, ये कबाब्स हैं, ये हैं कबाब्स, काकोरी कबाब रैप है ये, और ये देखो ये है इसमें एग, और यह चीज़, ये है इनके वेजिटेबल्स, अनियन है, टमाटो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसे खोल तो दिया, बंद कैसे हुआ? ओहो, चलो ये खा के देखते हैं कैसे हो रहा है। पक्का इसमें ना बीटरूट का यूज़ हुआ। अबे कौन करता है ऐसा, तुम बोलोगे मुझे देखो, बहुत सही हो रहा है। सोच रहा हूँ इतना बचा दूँ और सारी चीज़ें दो। मेरे को वो कबाब का पता, मतलब ये रैप का पता ही नहीं चला कि सिर्फ एक बाइट बचा हुआ है। कबाब टेस्ट करते हैं, ये है ओह, ये इसके अंदर से निकाल रहा हूँ मेरे का, ये एग है, इतना बचा देते हैं बिकॉज वो पहले वाला तो बचा ही नहीं पाया। लेकिन चीज़ें बहुत सही हैं, बस जब मैं बिल की तरफ देख रहा हूँ ना, 300 से नीचे मुझे कुछ चीज़ दिख नहीं रही है, तब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इन सब चीज़ों को साफ़ करता हूँ, ये दो चीज़ें हैं डेजर्ट में, ये खाएंगे इसके बाद, तो फिर इन चीज़ों को साफ़ करके मिलते हैं। देखो एक और चीज़ बोलना चाह रहा था, पानी सब यूज़ करते हैं स्टारबक्स वाले भी, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा है, ये साफ़ करते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें और थी डेजर्ट में मैंने ले रखी थी, ये है ब्लूबेरी मफिन, हाँ ये है 265 रुपीस का ऐसा कुछ है ब्लूबेरी मफिन, और ये है स्ट्रॉबेरी एंड आलमंड केक, स्ट्रॉबेरी एंड आलमंड केक ऐसा कुछ है, फोकस हुआ, बट जैम सा लगा हुआ है इसमें कुछ। मात्र 320 रुपये का, मात्र थोड़ा सा टेस्ट के लिए बचा देते हैं। फोकस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये देखो बेरीज हैं इसमें, सॉरी ये बेसिकली मफिन है। इसे मैं सोच रहा हूँ शाम को चाय के साथ खाएंगे, थोड़ा सा चटनी कैसा हो रहा है, सूखा सूखा, ये मेरे हिसाब से वहाँ पे कॉफ़ी के साथ ही चलता होगा, लेकिन अच्छा हो रहा है कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ अच्छा लगेगा। इसे भी थोड़ा सा बचा देते हैं, थोड़ा सा मतलब इसे शाम को खाएंगे कॉफ़ी के साथ, कॉफ़ी घर में बनाएंगे और घर में खाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो भी मैंने चीज़ों में स्पेंड किया आज, वो वैल्यू फॉर मनी था, मतलब इतना आप लोग थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया कॉफ़ीज़ इनकी, बहुत बढ़िया, मतलब टेस्ट बहुत अलग है। ठीक है, मज़ा आया, बहुत अच्छी मील थी, और चीज़ें जो भी बेवरेजेस थे वो भी बहुत सही थे, थोड़ी बहुत चीज़ें लगी जो शायद अगर गर्म होती तो बहुत अच्छा होता, वो मेरा गलती थी, बट बस एक चीज़ मिस किया कि मैं ये चीज़ें वहाँ पे जाके एंजॉय नहीं कर सकता, वहाँ की एम्बियंस चीज़ें बहुत चाहिए, अगर आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है तो वहाँ पे जाके करना। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, शेयर करते रहें, बाय बाय।